ग्लोबल सॉफ्टटेक से फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ अपने न्यू ट्यूटोरियल के साथ। तो फ्रेंड्स जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट, तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कॉन्ट्रा एंट्री कैसे की जाती है तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से एंड तक देखिएगा, नहीं तो कोई पार्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए, आप पूरा अच्छे से सीखे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, हम सीधा चले जाएंगे ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कैश बैंक एंट्री, एंटर करेंगे। लास्ट में देखिए एकदम काउंटर लिखा है, बाकी चारों तो हमने पिछली दो वीडियोस में सीख ली है, बैंक पेमेंट, बैंक रिसिप्ट, कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट। अब हम कॉन्ट्रा सीखेंगे, कॉन्ट्रा पे एंटर करेंगे। कॉन्ट्रा पे एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पूरा मेरा ब्लैंक है, अब यहाँ ऐड कर लेंगे हम इंसर्ट करके, इंसर्ट कर लूंगा मैं, ये तो ऐड से भी कर सकते, पीओ भी अकाउंट ले लूंगा। फ्रेंड्स सीए सॉफ्टवेयर में ये बात अच्छी है कि अगर पेमेंट होगा तो खुद ही ले लेगा, पेमेंट पे रिसिप्ट होगा तो रिसिप्ट पे खुद ही कर्सर ले लेगा। तो अभी रिसिप्ट था तो रिसिप्ट पे रिसिप्ट लेंगे हम, एंटर कर लेंगे, डेट दे लूंगा मैं कोई भी। अब यहाँ हम कैश अकाउंट लेंगे, कैश अकाउंट एंटर करेंगे, बैंक अमाउंट ले लेंगे, जैसे कि मैं लेता हूँ 10,000, एंटर करूंगा। चेक अगर डीडी नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ आप यहाँ डाल सकते हैं, जैसे मैं समझिए डालता हूँ 1122, एंटर करूंगा। चेक डिटेल और नया चेक में आप लिख सकते हैं कोई भी, अगर आपको डिटेल्स वगैरह लिखनी है कि किस चीज़ का है ये सब, फिर आके एंटर करके ओके करेंगे। अभी एक और बना के देता हूँ, बीओबी अकाउंट ले लूंगा, रिसिप्ट एंटर करूंगा, चेक एंड डीडी अपडेट ले लूंगा मैं यहाँ पे 8010722, कैश अकाउंट ले लूंगा एंटर करूंगा, बैंक अमाउंट ले लूंगा जैसे कि 60,000, एंटर करूंगा 11211, एंटर करूंगा। नया शेयर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, एंटर करूंगा, पेमेंट ले लेंगे, एंटर कर लूंगा कैश अकाउंट। तो देखा गाइस आपने कितना ईजी है कॉन्ट्रा एंट्री भी।